the next day. तो क्या नाचो मैं? अभी भूख लग रही है यार, चले इंदौर। चलो कहाँ चलना है? सराफा बाजार और सराफा और छप्पन। हाँ मेरी जान, आ गए छप्पन। तो अब नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है। मैं और रवि आ चुके हैं इंदौर के छप्पन में। ये इंदौर का छप्पन, यहाँ पे 55-56 दुकानें हैं। आपको जो खाना है यहाँ पे, वेज नॉन वेज सब मिल जाएगा। मैं और रवि आ चुके हैं अभी इंदौर के छप्पन में। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा घूमने आए हैं सुबह सुबह, और कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर ब्लॉगिंग करेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। विक्रम भाई कैसी लगी कोल्ड कॉफी? एक नंबर। और अपना चिकन रोल वो कैसा था? एक नंबर। तो क्या है, धूप थोड़ी ज़्यादा हो गई है और जैकेट वैकेट अपन ने उतार ली है, और थोड़ा गरम गरम भी हो रहा था इसलिए अपन ने कोल्ड कॉफ़ी ले ली है। एग रोल पहले ही खा लिए, चिकन रोल एग रोल, अब कुछ और देखते हैं खाने के लिए। चलिए बाय। क्या ले रहे हो? फाइनली आफ्टर ईटिंग सो मैनी फूड्स इन छप्पन, तो हमने यहाँ पे खाया सबसे पहले एग चिकन रोल, एग रोल, उसके बाद हमने पी कोल्ड कॉफ़ी, बढ़िया, उससे तो मज़ा ही आ गया, ठंडक आ गई। उसके बाद हमने खाए साबूदाने के बड़े, थोड़ा सा हमें हल्का खाना था क्योंकि अब निकल रहे हैं और दोपहर के बज रहे हैं 2 या 3। अब हम लोग जाना है मनोरंजन करके कोई बहुत ज़्यादा अच्छी जगह, वहाँ पे कोई सैंडविच बना रहता है, अब पता नहीं है कहाँ पर है। अब हम लोग जा रहे हैं। तो गाइस छप्पन पे तो मज़ा आ गया, क्यों रवि भाई? हाँ मेरी जान, चलिए भाई। तो हम लोग जा रहे हैं मनोरंजन। और अरे ऑटो वाले भैया, अरे ऑटो वाले भैया, कितने लोग हैं मनोरंजन के? हैं 150 रुपया लेगा भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी, 100 रुपये ले लो यार। 100 में नहीं भाई, आगे जाओ। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਹੀ ਚਲਾ ਲੈਤਾ ਹੂੰ ਗਾੜੀ, ਚਲੋ ਚਲੋ ਚਲੋ, ਹਮ ਲੋਕ ਗਾੜੀ ਚਲਾ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਆਪ ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹਿਸ ਕੇ ਲਈ ਸੁਣਨੇ ਕੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਬ ਹਮ ਯਹਾਂ ਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਂ ਮਧੁਰਮ ਸੈਂਡਵਿਚ ਔਰ ਛੱਪਨ ਬੋਗ ਮੈਂ ਛੱਪਨ जो भी यहाँ पे वो है वहाँ का हमारा काम हो चुका है, और मैं और रवि अब जा रहे हैं इंदौर के सबसे फेमस सैंडविच खाने, और जिसके लिए अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। हमने ऑटो कर लिया, 100 रुपये वहाँ पहुँच जाएंगे, और अब देखते हैं कि इंदौर का जो सबसे फेमस सैंडविच वाला है, देखते हैं उसका टेस्ट कैसा है। चलिए PC।
ये है वो सैंडविच वाला जिसके यहाँ बहुत लपक के भीड़ लगती है। ये देखिए आप, यहाँ पर टोकन लेना पड़ता है, खतरनाक भीड़ है यार। ये भाई यहाँ पे टाइम लगेगा। हाँ मधुरम सैंडविच तो बन ले लिया है मैंने, और अभी आओ। तो गाइस टोकन ले लिया है यहाँ पे, आप पीछे मेरे भीड़ देख सकते हैं, मधुरम सैंडविच इंदौर, और मेरा टोकन नंबर है 27, 5-10 मिनट में आएगा। बहुत खतरनाक भाई, YouTube पे देखा है आज, खा के देखते हैं कैसा है, चलिए फिर आपको बताते हैं। क्या लग रहा है विक्रम भाई? बहुत शानदार लग रहा है देखने में। सॉरी सर, सैंडविच भाई बहुत शानदार लग रहा है देखने में, अब देखते हैं भाई, देखने में इतना बड़ा लग रहा है, खाने का मज़ा ही आएगा, चलो खा के ट्राई करते हैं। गाइस फाइनली अब हम लोग ने खा लिया है, और 150 रुपये में इतना ज़्यादा इतना बड़ा मिलता है कि दो लोग आराम से खा सकते हैं, उनका भी कभी कभी पेट नहीं, लेकिन मज़ा आ गया, ये जो सैंडविच है मज़ा आ गया। चलिए अब हम लोग अपने होटल में जा रहे हैं, वापस चेक इन करते हैं, बहुत हो गया आज खाना पीना, अब जाके आराम से सोएंगे, चलिए बाय। तो गाइस अब शाम के बाद हम लोग निकल चुके हैं, थोड़ा थक गए थे वो सैंडविच खाने के बाद, पता नहीं उसने सैंडविच में चरस मिलाता है क्या भाई, वो नशे हो गए थे, नहीं जमाल घोटा नहीं, नशे मिला दिए थे भाई उसने, इतना शानदार था उसका, क्रेविंग हो रही है यार उसकी। तो भाई अब हम लोग जा रहे हैं, चाय वाय पीते हैं और थोड़ा नाश्ता वाश्ता करते हैं हल्का फुल्का, क्योंकि 11 बजे की हमारी ट्रेन भी है। तो अभी तो हम लोग इंदौर की सड़कों पे घूम रहे हैं, और आए और यहाँ की चाय नहीं पी, ऐसा हो नहीं सकता। तो अब इंदौर को अलविदा कहने का समय आ चुका है, और दिल थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है इंदौर को छोड़ने में, क्योंकि यहाँ बहुत अटैचमेंट सा हो गया था, और अब हमारी ट्रेन का समय हो गया है। अब क्योंकि हम एक सफ़र में हैं तो हम कहीं भी ज़्यादा ठहर नहीं सकते, यही नियम है प्रकृति का भी। तो बस अब हम जा रहे हैं भोपाल वापस, कल से वापस वही बैक टू वर्क, एंड चलिए साइनिंग ऑफ, और इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और हाँ कमेंट करना ना भूलें, और डू सब्सक्राइब। जय हिंद।